फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से मलाई से जो घी है बहुत आसानी से बन जाता है और प्योरिटी के साथ उसके साथ आप पनीर भी निकाल सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो मलाई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 हफ्ते की मलाई से आप पनीर वगैरह निकाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये पूरी मलाई है, इसको हम बड़े बर्तन में इकट्ठा करती रहती हूँ, तो इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसका हमने सबसे पहले मक्खन बनाना है, इसको बर्तन में निकालेंगे। इसको हमें हल्का सा इसी तरह से फेंट लेना है। कोई मिक्सी की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी, बल्कि इसको इसी तरह से हमारा जो घी है वो रेडी हो जाएगा। जैसे इसकी थोड़ी लस्सी निकालेंगे हम। इस तरह से आप लकड़ी की जो मधानी होती है उसका उल्टा साइड लेके भी इसको निकाल सकते हो, या फिर आप बेलन की सहायता से भी इसको निकाल सकते हो। तो बस हल्का सा इसको गोल घुमाना है हमने, और 2 मिनट का समय तो लगेगा भी नहीं, बस इसमें साथ ही साथ लस्सी जो छोड़ देनी है इसको घुमाना है। तो इस तरह से मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती हूँ, इसने जो लस्सी है वो छोड़नी शुरू कर दी है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। इसको अच्छी तरह से हमने मक्खन को वॉश कर लेना है। ये देखिए मक्खन एक साइड हो गया और लस्सी है वो एक तरफ। अब लस्सी को हमने एक तरफ निकाल लेना है। तो ये देखिए प्रॉपर हमारा मक्खन है वो निकल चुका है, बिल्कुल मिक्सी के बिना, हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होता है उसके बिना हमने ये मक्खन निकाल लिया है बड़ी ही आसानी से। कोई गर्म पानी नहीं डाला हमने, कुछ नहीं डाला, बस इसको थोड़ा सा निकाल के हमने फ्रिज में से रख देना है, तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है। साथ ही हम इसको मक्खन बनाने की प्रक्रिया वो शुरू कर देते हैं। तो अब गैस ऑन कर लेते हैं, हम मक्खन को इसके ऊपर रखते हैं। तो बिल्कुल आसानी से हमने इसको आंच को धीमी करना है और अपने घर के काम करते रहना है, अपने आप ही है वो रेडी हो जाएगा।
आंच हम कम कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसके पास खड़े होने की। उसके बाद में हमने पनीर बनाना है जो हमने लस्सी इसमें से निकाली है। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को ऑन होने देते हैं हम। घी बनाने के लिए रख दिया और गैस की आंच बंद करके हम अपना काम करेंगे। घी बन रहा है, उसी के साथ साथ हम पनीर निकाल लेंगे। तो हमने जो लस्सी ली थी मक्खन में से निकली थी, उसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है इस तरह से। बहुत ही अच्छा पनीर निकलेगा, बहुत ही सॉफ्ट। और एक काम कर रहे हैं तो दो हमारे जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, पनीर भी बन जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे ही रखे रहने देते हैं। एक तरफ हमारा जो मक्खन है वो गर्म हो रहा है, ये देखिए, और एक तरफ हमने लस्सी रख दी है जो पनीर बनेगा। तो दोनों काम एक साथ साथ होते रहेंगे। तो ये देखिए, इसने अपने आप ही ये फटना शुरू हो चुका है। सिर्फ इसको 2 मिनट हुए हैं, ये देखिए अपने आप ये फटना शुरू हो चुका है। हल्का सा इसको हिला देना है, फिर बंद कर देना है। तो ये देखिए पनीर है वो बनना शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से पनीर बनेगा। आप इसको इसकी भुर्जी भी बना सकते हो। अगर आपने इसको टिक्की की फॉर्म में रखना है, जैसे बाजार से हम पनीर लेके आते हैं, तो हम इसको एक कपड़े में डाल के उसके ऊपर वजन रख देंगे। तो इस तरह से अब गैस को फ्रेंड्स अब मैं बंद कर दूंगी और अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये पनीर है हमारा बन के रेडी हो चुका है। इतनी की लस्सी से बहुत ही अच्छा पनीर है हमारा बन के रेडी हो चुका है। साथ में आपको दिखा देती हूँ, देखिए घी भी बनना शुरू हो चुका है, अपने आप ये बन रहा है। फ्रेंड्स घी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसको हम छान लेंगे। बहुत ही आसानी से घी बन चुका है। इधर हमारा पनीर है वो भी ठंडा हो चुका है, अब इसको भी हम छान लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी साइड बाय साइड बन के रेडी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स हम छलनी की हेल्प के साथ घी को छान लेंगे। बाउल में हमने इसको छान लेना है। देखिए चांदी जैसा कलर आया है घी का, बहुत ही अच्छा प्यारा कलर। घर पे प्योर घी बन जाता है तो उसकी जो महक होती है पूरे घर में फैल जाती है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे कि हम मलाई वगैरह नहीं भी खा सकते, गाढ़ा दूध आजकल किसी को पचता नहीं है, तो हम उस तरह से दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम मलाई उतार के दूध पी लेते हैं और उसके बाद घी हमारा अपने घर पे ही इतना अच्छा बन के रेडी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं आती है बनाने में। तो अब एक कपड़ा लेंगे हम, उसके बीच में इस पनीर को डालेंगे। तो घी और पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने घर पे इसी ट्रिक को ट्राई कीजिए, तो दोनों फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, पेशेंस, सब्सक्राइब माय चैनल बैच विलेज रेसिपी।